राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज, राजधानी व्यू। विदिशा, शनिवार दोपहर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर कामकेड़ा सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले खेजड़ा सुल्तान डेढ़ दर्जन से ज्यादा किसानों ने लिखित शिकायत ज्ञापन के जरिए कर तुलाई करने की मांग की। एसएमएस न आने से नहीं बन पा रही पर्ची, जिसकी वजह से तुलाई कार्य नहीं हो पा रहा। तेज गर्मी के कारण किसान हो रहे हैं परेशान। क्या नाम है आपका? रोहन सिंह। कहाँ के रहने वाले? खेजड़ा सुल्तान। क्या समस्या आप लोग? वो एसएमएस निकल गए साहब, तो अब किराया डबल से एसएमएस आएंगे जब आपको नाच तो ले। वो काय का एसएमएस था? नाच के तुलाई का। तुलाई का तो कौन सी सोसाइटी है? कामखेड़ा। कितने किसान हैं ऐसे जो परेशान हो रहे हैं? 14-15 लोग हैं। ऐसे में क्या समस्या खड़ी हो रही है आप लोगों को? दो बार एसएमएस निकल गए, एक तारीख को है तो पहले। समस्या क्या खड़ी हो रही है ऐसे में आप लोगों? पर्ची नहीं बन रही, कंप्यूटर झेल नहीं रहा। कंप्यूटर पर्ची बनवा गए तो कहला भैया डबल से एसएमएस आएंगे जे के बाद आपको नाच की पर्ची बनेगी। आज जो आपने चक्का जाम किया था वो क्यों किया था? आज हमने किसान संघ और करणी सेना के तत्वधान में आज हमने ढोलगढ़ी चौराहे पर चक्का जाम इसलिए किया था कि आज केसीसी बनने की लास्ट डेट है। और पहले भी हम पूर्व में शासन को इस चीज़ से अवगत करा चुके हैं कि किसानों का गेहूं अभी तुला नहीं है पूरी तरह से, और चने का पैसा अभी तक नहीं आया है, इसलिए ड्यू डेट को 30 जून किया जाए। पर शासन ने इस बात को अभी तक किसानों को नहीं माना है, इसलिए आज हम सारे लोग यहाँ ढोलकरी चौराहे पे आए थे, अपनी मांगों को लेके 8 सूत्रीय मांगों को लेके यहाँ आए हुए थे। तहसीलदार मैडम ने अभी हमें आश्वासन दिया है कि हम अभी जाके कलेक्टर साहब से बात करते हैं और इस समस्या का समाधान करवाते हैं। अगर हमारी इस समस्या का आज समाधान नहीं होता, 30 मई से 30 जून नहीं होती तारीख केसीसी भरने की, तो फिर हम अभी पुनः चक्का जाम करेंगे और अब यहाँ से बिल्कुल नहीं उठेंगे। विदिशा से कमल रेखवार की रिपोर्ट। राजधानी व्यू, सच कहने का साहस और सलीका। हम हैं आपकी आवाज़, राजधानी व्यू।